ऑनलाइन में। दोस्तों बात करेंगे आज हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022 ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड 2023 के बारे में। कैसे आप इसका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और कब से आपका कब तक जो है ट्रेड टेस्ट जो एडमिट कार्ड है वो कब से कब तक आपके चलने वाले हैं, इस वीडियो में हम जो है आपको फुल जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करना जब भी आपको पता चल पाएगा। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिकॉर्डिंग सारी वीडियो मिलती है स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों अपना एडमिट कार्ड। एसएससी दिल्ली पुलिस का जो 2022 में निकाला गया था फॉर्म, उसका टेस्ट का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो क्या करेंगे, सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर आ जाएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप आ जाएंगे। आने बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कोस्टल ड्राइवर 2022 रिकमेंड। इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग की बात करें, कब आपके निकाले गए थे, वो दोस्तों आपके निकाले गए थे 8/7/2022 में आपके निकले थे ये, और लास्ट डेट इसकी 29/7/2022 रखी गई थी। आपके जो ट्रेड टेस्ट एग्ज़ाम डेट की है डेट है वो आपके 10 अक्टूबर से लेके और आपके चले गए 8 नवंबर तक, देख सकते हैं 8 नवंबर तक आपके चलने वाले हैं इसके जो है ट्रेड टेस्ट, देख सकते हैं आप। ट्रेड टेस्ट एग्ज़ाम डेट तो 10 अक्टूबर से लेके और 8 नवंबर तक इसके चलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब कैसे डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड ट्रेड टेस्ट का, नीचे आने के आप यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी वो 1411 वैकेंसी आपकी टोटल निकाली गई थी, जिसमें आपका देख सकते हो दिल्ली पुलिस कोस्टल ड्राइवर की ही मेल की 1411 ही और फीमेल की कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है दोस्तों। टोटल आपकी जो है मेल वालों की थी, क्योंकि ड्राइवर के मेल वाले ही रहते हैं इसमें, आपको ही पता है इस बात का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2022 की ये पोस्ट थी, अब 2023 में इसका ट्रेड टेस्ट हो रहा है। देख सकते हैं मेल जनरल जनरल की 604 वैकेंसी थी, OBC की 353 थी, EDLS की 42 थी, SC की 262 थी, SC की 50 थी, टोटल 1441। अब कैसे डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप डाउनलोड के लिए डाउनलोड ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये आ रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है क्लिक कर, आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे आपको तीन तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ट्रेड टेस्ट का। पहला जो ऑप्शन दिया है इन्होंने, पहला ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर से, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे अपना, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद ये दोनों जोड़ के आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। एक तो आप रजिस्ट्रेशन द्वारा निकाल सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर आप टाइप करेंगे अपना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये दोनों जोड़ के उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एक तो इस तरह से निकल जाएगा। दूसरा तरीका होगा, जो तीसरा तरीका है वो नाम का, अगर आपके पास रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आपके पास कुछ भी, तो आपको सिंपल सा अपना नाम डालना है यहाँ पर, अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पर डालना है, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे अपनी, और ये जो है ये वेरीफाई जो आपका दे रखा है 5/9/14, आपको दोनों को जोड़ कर अगर प्लस है तो प्लस जोड़ेंगे, माइनस है तो माइनस आप करके यहाँ पर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जैसे 5/9/14 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है फिर आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं फॉर्म नंबर आ चुका है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं जैसे, रोल नंबर आ चुका है,
नाम आ चुका है, पिताजी का नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, आपकी जाति आ चुकी है, आपका जेंडर आ चुका है, ट्रेड टेस्ट आपके यहाँ पे दे रखा है, जो आपका ट्रेड टेस्ट होएगा वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। 19/10/2023 में इनकी डेट दे रखी है, 19/10/2023 में ट्रेड टेस्ट होने वाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के। और रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 8:30 बजे से। ठीक है दोस्तों, अब आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, यहाँ पे एक नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा तो देख सकते हैं आप। दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, देख सकते हैं, क्लिक हियर टू प्रिंट योर कॉल लेटर। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे जो है दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने ये इसका ऑफर लेटर जो है, मतलब कि एडमिट कार्ड बोलते हैं जिसे, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये आपका डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, यहाँ पर सिग्नेचर आपको करना है, यहाँ पर फ़ोटो नहीं आने का आपको अलग से यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अलग से जो है चिपकाना पड़ेगा, यहाँ पर आपका नहीं दिख पाने का इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर भी फ़ोटो, यहाँ पर भी जो है सिग्नेचर। ठीक है दोस्तों, हो गए, आ गया समझो दोस्तों। उसके बाद ले जाना क्या क्या है आपको, यहाँ पर आप नीचे आओगे तो महत्वपूर्ण अनुदेश दे रखे हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या ले जाना है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो ई प्रवेश पत्र के अतिरिक्त उम्मीदवार अपने साथ हाल ही में खींची हुई पासपोर्ट साइज की फ़ोटो सत्यापित और अपने साथ मूल जन्म प्रमाण, जन्म तिथि के प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी, भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी के लिए, मतलब एक आईडी आपको ले जानी है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मिला जुला होना चाहिए। आपका यही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपका जो है इस फॉर्म में है, वही आपका आईडी प्रूफ में होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह ये सारे आपके चल जाएंगे। जो दूसरे में बोला गया, उम्मीदवार को सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस बाढ़ प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों के फोटो कॉपी एवं एक सेट लाना होगा जो कि अनिवार्य है। दोस्तों देख सकते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फ़ोटो कॉपी आपको करानी है और एक सेट आपको यहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी आप दो सेट भी करा लीजिए, आपके काम ही आएगा। फ़ोटो कॉपी ऐसी होती है कि आपके, ऐसा तो नहीं कि आपका यहाँ पर ख़राब जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आपके काम ही आएगा, तो आप यहाँ पर दो सेट ही ले जाइए, कभी आपको दो सेट मांगा करें। ठीक है दोस्तों, बाकी तो एक सेट दे रखा है, बाकी आपकी इच्छा है। उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरी कॉलम में आप जो है उम्मीदवार को ट्रेड परीक्षा में अपना मूल ड्राइविंग लाइसेंस और लाना अनिवार्य है, और इस उद्देश्य के लिए अंतिम महत्वपूर्ण तिथि 29/7/2022 से होगी। 29/7/2022 के बाद जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइसेंस होना चाहिए आपको 29/7/2022 से पहले पहले का आपका होना चाहिए, यहाँ पर डेट दे रखी है, इससे पहले पहले का आपको लाइसेंस होना चाहिए, वो ले जाना आपका अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए आप। जो उम्मीदवार एनसीसी और आर आई प्रमाण के आधार पर से लेना चाहते हैं, उनके प्रमाण पत्रों की जांच के समय असली प्रमाण पत्र लाने होंगे। ट्रेड परीक्षा समय के इसके अंतिम दिन ऑनलाइन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप पढ़ लेना और पढ़ने के बाद आप इसे देख लेना। ठीक है दोस्तों, और आपको असली प्रमाण पत्र लेकर जाना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स असली है वो भी लेके जाने हैं, उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस ट्रेड 2022 का एडमिट कार्ड। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, और आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें आप पढ़ लेना, यहाँ पे 11वां पढ़ते हैं, सभी उम्मीदवार को उनके वैध ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन के अधीन अंतरिम अनुमति दी जाती है कि यह ट्रेड के संचालन दौरान यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पास ड्राइविंग लाइसेंस 29/7/2022 के उससे पहले जारी नहीं किया गया तो उसकी उम्मीदवार रद्द मानी जाएगी और इस संबंध में किसी भी कीमत पर, किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपका लाइसेंस इससे पहले जारी नहीं हुआ है तो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये जो आपके यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को यह सूचित करना चाहिए कि वे
आवेदन के अंतिम तिथि का पात्रता का अनुसार इस तरह का आरक्षण हकदार है, उनके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस प्रयोजन के अंतिम ऑनलाइन आवेदन की तिथि होगी 29/7/2022। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है सारा कुछ, कैसे डाउनलोड करना है और इसे पढ़ लेना आपको निर्देश को सारा अच्छे से। तो दोस्तों, अच्छा करते ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों के पास, जो सभी को पता चल सके। कुछ कैंडिडेट को पता नहीं रहता है तो उन्हें भी पता चल सके, तो आप शेयर जरूर कर देना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों, चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और 1K सब्सक्राइबर करा दीजिए। दोस्तों, आपसे यही कहना चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, कुछ पूछना हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो जो है टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन हो सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।